मेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू रेड बाय द थंबनेल ऑफ दिस वीडियो दैट आज मैं करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। सो मैंने ऑर्डर करे हैं बहुत सारे समर ड्रेसेस फ्रॉम मीशो एंड वो सारे जो हैं ड्रेसेस दे आर मोस्टली अंडर 500 और अराउंड 500। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो एंड ऑल्सो आपने जो भी थंबनेल पे अभी तक फोटोज वगैरह देखे उसके अदर आई डू हैव सम मोर ड्रेसेस इन दिस वीडियो। सो एंड शो यू द पैकेजेस दैट आई गॉट क्योंकि मैंने भी अभी उनको अनबॉक्स नहीं कराया अनपैक नहीं कराया। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए। सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्ट। ओके सो गाइस राइट हियर आई हैव सो मेनी पैकेजेस राइट हियर एज यू कैन सी और इसके अलावा भी नीचे पड़े हुए हैं तो क्योंकि वो निकलने के बाद भी मैंने उठाया नहीं है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद आर फर्स्ट ड्रेस और बाकी का ना मैं साइड में यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट में दिखा दूँगी क्योंकि लैंडस्केप में यानी कि वीडियो फॉर्मेट में जो भी चल रहा है इसमें सब कुछ इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है। सो आपको प्रॉपर ड्रेस का एक फ्रेम मिल सके तो मैं आपको यहाँ पे सारे ड्रेसेस दिखा रही हूँ अच्छे से। सो यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक इट आउट एंड सारे ड्रेसेस के ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सो अगर आपको इनमें से कोई भी लेना हो तो आप ले सकते हो अपने लिए एंड ऑल्सो मैं इसका साइज भी मैंशन कर दूँगी स्क्रीन पर जो भी इसके साइज होंगे। अभी तो शायद मुझे अच्छे से सबके साइज याद नहीं है बट आई ट्राई कि मैं सबके साइज मेंशन कर दूँ स्क्रीन पर ताकि इफ़ यू आर अंडर माई स्पेसिफिकेशंस तो आप लोग मेरे साइज वाला ले सकते हो। लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट ड्रेस। दिस इज द फर्स्ट ड्रेस और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। थोड़ा सा ना कलर का डिफरेंस आ रहा होगा इसमें बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। फर्स्ट थिंग फर्स्ट गर्मियों के हिसाब से द फैब्रिक इज़ वेरी सॉफ्ट और ये शायद थोड़ा कॉटन मिक्स फैब्रिक है इसका। बाकी मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है एंड कुछ इस तरीके से इसका बैक है। आई विल शो यू दिस इज हाउ इसका बैक लुक्स लाइक फ्रॉम द बैक। और इसको ना आप सबसे अच्छी बात है इसको जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ इसको आई कैन टीम अप विद द जीन्स और सम बेज पैंट्स और एनीथिंग और आई कैन सिंपली जस्ट वेयर इट लाइक अ नाइस मिडी और ड्रेस समथिंग लाइक दैट। अभी फ्रेम में इट्स नॉट कम्प्लीटली विजिबल बट हेयर यू कैन सी। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था इसीलिए एंड इसके प्रिंट्स मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है। समरी और छोटे छोटे प्रिंट्स हैं ऑल ओवर द ड्रेस। सो अगर आपको ये पसंद आ रही हूँ मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ऑल्सो प्लस द नेकलाइन ऑफ दिस ड्रेस आई लाइक दिस वेरी मच। सो आई विल गिव इट 10/10 बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है एंड ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कहीं बन के जाने के सोचना पड़ेगा आपको। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। सो गाइस दिस इज अनदर वन एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट बिकॉज ऑब्वियसली इट इज रेड एंड रेड इज माय फेवरेट कलर। सो हाउ इट लुक्स लाइक आई पर्सनली लव द नेकलाइन ऑफ दिस ड्रेस क्योंकि यहाँ पर ना ये कुछ डिटेलिंग दिए हुए हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर सेंटर में ही गैदर है एंड प्राइस के हिसाब से इट इज़ वेरी गुड एंड द हीरो फैक्टर ऑफ दिस ड्रेस इज दिस। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम द बैक और ये हार्ट शेप का कुछ है पीछे एंड दिस इज द लेंथ ऑफ दिस ड्रेस एंड आई गॉना पुट ऑल द वीडियो हियर। सो कुछ इस तरीके से दिखता है ये बहुत ही फैंसी ड्रेस एंड ऑल्सो आई लव द स्लीव्स हियर बिकॉज ये ना पफी स्लीव्स हैं। सो जिनके ये शोल्डर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं या आर्म्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सूट करेगा ये स्टाइल एंड या आई विल गिव इट 8/10 बिकॉज मुझे फैब्रिक बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया इसका। थोड़ा सा ना यहाँ पे इसका फिट थोड़ा मुझे इल फिट लग रहा है बिकॉज ये ना अजीब तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। थोड़ा बहुत लग रहा है वो इन पर्सन लग रहा है बट आई डोंट थिंक कि ये कैमरे में इतना ज़्यादा लग रहा है। कैमरे में इट्स लुकिंग क्वाइट प्रिटी एंड आई लुकिंग लाइक अ रोज सेल्फ अप्रिसिएशन। So this is the another one dress. Actually it's a corset, it's a top and it's a let me show you. This is how it looks like. It's a skirt or iska ye top hai. And these nice strings so that you can just make it a bow and a nice tie around your shoulders and it looks really cute. Mujhe ye actually corset jo hai kisi brunch ke liye ya kisi day out ke liye mujhe bahut hi cute laga tha. So दैट्स वाई आई ऑर्डर बट मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा ना साइज इसका स्मॉल मंगा लिया जब एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाया था मैंने। सो वो मुझे थोड़ा इशू आ रहा है इस ड्रेस में। बाकी थोड़ा मुझे लगता है कि मैं अगर साइज ठीक से मंगा लूँगी तो वो अच्छा लगेगा। सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। इट लुक्स रियली क्यूट एंड आई एम डेफिनेटली गोना वेयर इट। बस थोड़ा सा इसका फैब्रिक जो है थोड़ा सा पॉलिस्टर है शायद पता नहीं कौन सा है मैं मैंशन कर दूँगी यहाँ पर जो भी इसका फैब्रिक होगा। सो मुझे बस थोड़ा सा वो इशू लग रहा है एंड इट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक
फ्रॉम द बैक बहुत ही सिंपल सा है, बाकी ये वाला पार्ट ना इसका स्ट्रेचेबल है, यू कैन सी दिस इज स्ट्रेचेबल, सो यू कैन ईजिली वेयर इट। रेट इट 7 out of 10, इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक इट डिजर्व। बाकी का इट लुक्स क्यूट बट कम्फर्टेबल भी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क लग रहा है, अच्छा लग रहा है बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। सो येस, ओके गाइज, सो दिस वन हैज़ माई हार्ट एंड दिस इज माई फेवरेट अमंग ऑल, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ मुझे कौन से बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट हैज़ दिस वेरी प्रिटी सिंड्रेला बाबी वाइब, और आपसे बहुत ज़्यादा मिनिमल क्लीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये मेरे वेस्ट पे तो इतना अच्छा फिट आ रहा है इसका, ये जो भी डिज़ाइन उन्होंने बनाई है दिस आई लव सो मच, और इसका ये फ्रॉक स्टाइल है हाउ इट लुक्स लाइक, एंड इसके नीचे यू नीड टू वेयर योर साइकिलिंग शॉर्ट्स, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड वेट अ मिनट, द हॉटेस्ट पार्ट, इट हैज दिस वेरी गॉर्जियस बैक जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, और कुछ इस तरीके से लगती है, बहुत ही सिंड्रेला बहुत ही ड्रीमी वाइब है इस आउटफिट की, एंड आई थिंक जो मेरा मेकअप है मैंने कर रखा है इसे बहुत परफेक्टली जा रहा है, और इफ़ यू वांट यू कैन वेयर दी स्लीव्स लाइक दिस, सो इट विल बिकम एन ऑफ शोल्डर ड्रेस एंड यू कैन जस्ट डू सम हाईलाइटिंग ओवर हेयर, एंड इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल वेयरिंग इट लाइक दिस तो आप इसकी स्लीव्स ऐसे करके पहन सकते हो, अगेन इट लुक्स प्रिटी। सो या इसको आई विल गिव 10 on 10 बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, एंड ऑल्सो आप जो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना जो भी मैं ड्रेसेस ट्राई कर रही हूँ उनमें से आपको कौन से सबसे ज़्यादा अपने लिए पसंद है एंड कौन से सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद है, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू रिटर्न अ फ्यू ऑफ देम, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। बाकी का दिस वन हैज़ माई हार्ट, सो ये तो मैं नहीं करने वाली हूँ, जिसको भी ये वाली ड्रेस बहुत पसंद आ रही है कॉमेंट सेक्शन में ना वाइट वाले हार्ट इमोजीज कॉमेंट कर देना, मैं समझ जाऊँगी हम लोगों की मैजिक सेम है। ओके सो गाइज, दिस इज द अनदर वन, सो इट हैज़ अ ब्यूटिफुल ब्लैक टॉप क्रॉप टॉप, एंड नीचे इसके है ये स्कर्ट, इट्स अ मिनी स्कर्ट जस्ट लाइक माई नेम, और मैंने अभी ना ये चेन ऐड कर दी है वाइट ड्रेस के बाद बिकॉज मैं पहनना भूल गई थी, सो ब्लैक के साथ ना गोल्ड एक्सेसरीज बहुत प्यारे लगते हैं, आई स्टाइल्ड इट, सो इसका फैब्रिक थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, सो यू कैन ईजिली गेट इट। मैं इसको दूंगी आउट ऑफ 10, मैं इसको दूंगी 7 क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसका फिट अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है आगे से, आई डोंट नो व्हाई, क्या इसका फैब्रिक है क्या है, बट या दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइड, विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई रियली होप आपको मेरा हॉल वीडियो पसंद आया होगा, एंड मुझे बहुत सारे कपड़े बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, मैंने एक्चुअली हर जोनर के कपड़े मंगाए थे, थोड़े से मैं चाहते थे मैं कॉर्ड सेट मंगाऊँ, स्कर्ट टॉप्स मंगाऊँ एंड ड्रेसेस मंगाऊँ जो मैंने बहुत टाइम से नहीं लिया था, आज बहुत सुंदर लग रहा है, सो मैंने बहुत टाइम से नहीं लिया था, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई रियली होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड कौन सा ड्रेस आपका फेवरेट है, वाइट वाला फेवरेट है तो प्लीज़ वाइट इमोजी आप कॉमेंट सेक्शन में कर देना, एंड या आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइज, एंड सबके ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर रही हूँ तो चेक कर लेना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना गाइज, वी आर सो क्लोज टू 1K, सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स नीडेड है, सो प्लीज़ आप अपने वीडियोस मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली में शेयर कर दो, एंड जितना पॉसिबल हो सके लोगों से सब्सक्राइब करवाना, सो दैट वी कैन हिट 1K, और उसके बाद मैंने गिव अप अरेंज करा है, आई हैव फ्यू प्लान्स, सो यस, थैंक्स।